टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकती है, आपको रास्ता भी दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा हम नहीं कह रहे, कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं तो आपका गड्ढे में गिरना तय है। कुछ ऐसा ही नज़ारा उत्तराखंड में जोशीमठ में भी देखने को मिला, जहां गूगल मैप पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने पर दिल्ली के दो युवकों पर कहीं ना कहीं मुसीबत आन पड़ी। इस वाक्य के बाद लोग कह रहे हैं कि गूगल ने तो फंसा दिया भाई। अब मामला क्या था, जरा विस्तार से आपको समझाते हैं। दिल्ली के दो पर्यटक विष्णु प्रयाग जाने के लिए गूगल मैप से शॉर्टकट रास्ता लिया, जो कि एक पैदल रास्ता था। फिर क्या था, दोनों पर्यटक उस रास्ते पर चल निकले, लेकिन उस रास्ते का पुल टूटा हुआ था, जिससे वो खाई में गिर गए। इसके बाद घंटों की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला। चलिए अब समझते हैं इस खबर के आने के बाद आपको किस तरह के गलतियों से बचना है अगर आप गूगल मैप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। गूगल मैप सिक्योरिटी रीजन की वजह से लाइव या फिर तुरंत अपडेट नहीं दिखा सकता, मतलब जिस रूट और रास्तों को आप देखते हैं तो कई हफ्ते पुराने रूट और रास्ते होते हैं। हालांकि पहाड़ों में बारिश और भूस्खलन की वजह से रास्तों की स्थितियां तेजी से बदलती रहती हैं। ऐसे में यात्रियों को पहाड़ों पर गूगल मैप पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर 5 घंटे पहले कोई पुल टूट जाता है तो गूगल पर उसका अपडेट नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात समझ लीजिए, गूगल एक नेविगेशन ऐप है जो रूट, लाइव ट्रैफिक और आसपास के पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर समेत कई सर्विस सेंटर के लोकेशन की डिटेल उपलब्ध कराता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि गूगल की तरफ से दी जानकारी पूरी तरह से सही ही होगी। चलिए अब एक और बात समझ लेते हैं, कैसे मिलती है लाइव ट्रैफिक की जानकारी। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर आपको लाइव ट्रैफिक की कैसे जानकारी मिलती होगी? तो चलिए आपको बता देते हैं। अगर किसी एक लोकेशन पर कई सारे स्मार्टफोन एक्टिव पाए जाते हैं तो गूगल उस लोकेशन को ट्रैफिक जैम के तौर पर शो करता है। हमारे आसपास एंड्रॉइड स्मार्टफोन की संख्या ज्यादा रहती है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का है। ऐसे में गूगल के लिए स्मार्टफोन की संख्या के आधार पर ट्रैफिक जाम का पता लगाना आसान हो जाता है। उम्मीद है इस खबर को देखने के बाद आप भी गूगल पर उतना भरोसा नहीं करेंगे या फिर मैप पर, नेविगेशन पर उतना भरोसा नहीं करेंगे जितना कि आप अब तक करते आए हैं।